माँ ने ज्यादा दे दी, कह रही दो तीन जितनी शादियां करते हैं कर बेटा, मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। नहीं कोई नहीं, मैंने कहा सब कर सकते, तू नहीं कर सकता। लाजमी जाके आज की पिक्चर्स देखेगा, बड़ी प्यारी वीआईपी फोटोज आई हैं। हेलो जी एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं? उम्मीद है मजे में, एवन है, फिट फाट है। सो गाइस मेरा नाम है सोनू और मैं हूँ क्या तो आखिरी व्लॉग आप लोगों को उम्मीद है पसंद आया होगा। अभी दूसरा व्लॉग ये आ रहा है कि मैं करने वाला हूँ दूसरी शादी। मम्मी तीन चार दिन से सीरियसली इतनी शादी शादी कर रहा है और पोली जा रहा है शादी शादी। एक को तो सही निभा पहले। ये डाल। मेरी माँ ने ज्यादा दे दी, कह रही दो तीन जितनी शादियां करती है कर बेटा, मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। कोई नहीं, मैंने कहा सब कर सकते, तू नहीं कर सकता। मेरी बीवी ने ज्यादा दे दी मुझे दूसरी शादी, कब दिए? तुम कर कर आओ, जब करके आ जाऊंगा तो फिर क्या मजा बताऊंगी। चली जाऊंगी फिर, रहना अपनी बीवी के साथ आऊंगी और वो खुद कुछ जैकेट पहन के जाना। हाँ, धमाका करोगी सबको उड़ा। तुम बिना मेकअप के आ जाना वैसे ही सब मर जाएंगे। चलो क्या, हम लोग जरा नाश्ता करके कपड़े वपड़े पहन के फिर मैं आता हूँ वापस दो मिनट में। भैया आपके पास मैक्सिमम 5 मिनट है, तैयार हो जाए। तैयार होने के बाद हम लोग बाहर से क्या खाओगी, घर का खाओ, बाहर का गंदा होता है। 5 मिनट है तुम्हारे पास, जो जो करना है कर लो। उसके बाद हम लोग पता है कहाँ जा रहे हैं, लंडा बाजार। स्लीपर्स लेनी है, जोगर्स लेने, तो मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि लंडे बाजार में जाके ढूंढो, वहाँ पर बहुत अच्छे मिलते हैं। हालांकि 2-3 बार मैं पहले ले चुका हूँ, क्योंकि जो बोलूँ कराची से भी लिया है मैंने लंडे बाजार से। हाँ हाँ मैं ले चुका हूँ, क्योंकि यार मेरे पाँव में ना शूज़ ना बिल्कुल चलते ही नहीं है। वो मैक्सिमम 1 महीना जितने महंगे से महंगा लूँ या जैसा भी लूँ, वो 1 महीने में मेरे पाँव में फट ही जाते हैं। जो मैं इसलिए लेता हूँ सस्ते वाले बहुत सारे, पहनते जाओ पहनते जाओ पहनते जाओ। तुम्हारे पाँव में जूते चलते हैं बस, फिर तुम्हारे लिए लंडा बेस्ट है। मैं जरा फ्रेश हो जाऊँ, फ्रेश होने के बाद हम निकल रहे हैं, निकलने के बाद फिर बता दूँ। मैं बस यूं गया तो यूं आया, सब मैं हो चुका हूँ तैयार, अच्छा लग रहा हूँ। अच्छा बात तो सुन, बात तो सुन भाई, सीन कुछ ऐसा हुआ है, वो हो गई है नाराज। नाराज क्यों हो गई है, क्योंकि अचानक से मुझे कॉल आ गई, मुझे एक जगह जाते ही प्लान बन गया उनका कि भाई हम जा रहे हैं, सब रेडी हैं, तो खाली तेरा वेट हो रहा है। तो मैंने मैं बेगम को कहा जब मैं वापस आऊँगा फिर हम जाएंगे, तो वो उनका ना बहुत गंदा वाला ना मुँह बन गया। क्या क्या खाने चल रहे हैं, पिसाएंगे ना फिर लंडा जाएंगे, लंडा पूरा साल खुला होता है, कोई फर्क नहीं है। बंद करो यार, मैं बात नहीं कर रही। तो मैं गाइस मैं जा रहा हूँ, तो फिर जो बाकी मुलाकात होती है बाद में बताता हूँ, रास्ते में बताता हूँ। फिलहाल आई एम गोइंग, बाय बाय। बहुत ज़्यादा नाराज चल रही है भाई, बहुत ज़्यादा कोई ना वो बोल रहे हैं ना इख्तलाफा। तो मैं तो बस बन के निकल गया हूँ, बेगम का बड़ा बच्चे, बेगम रवानगी के लिए तैयार है। तैयार क्या है, ये गाड़ी है, ये बंदा है, ये बंदा है, इसके अभी अभी शादी हुई है, तो ये माशाल्लाह बड़ा शरीफ शरीफ चल रहा है। तो ना माशाल्लाह से एटीएम बड़ी पैसे जल्दी जल्दी खत्म हो रहे, 2-2 मिनट बाद एटीएम आना पड़ रहा है। दो एक दिन एटीएम भी बोलेगा भाई जान पैसे खत्म हो गए निकल ले। हमारे प्लान का ना कुछ पता नहीं चलता है, होड़क जाते जाते हम मुड़ गए कैंट में। ये पहुंच चुके हैं हम लोग सोल्जर्स क्लब भाई, ये यहाँ का एक बड़ा प्यारा यार, यहाँ पर तो बंदा फैमिली को भी ला सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहले, अगर हमारा सेटअप बराबर हो गया तो ठीक है, नहीं बराबर हुआ तो फिर हम आगे जाएंगे पानी में। ये यहाँ पर हम लोग को मिलेगा बड़ा प्यारा माहौल, किस चीज़ का भाई, ये रूम मिलेगा हम लोग को टेबल टेनिस का। ये एक बॉल तो हम लोग माशाल्लाह से फाड़ चुके हैं, ये दूसरी बॉल आई है मून। तो हम लोग जब से आए हम टेबल टेनिस के पीछे ऐसा पड़ गए कि मैं पसीने पसीने ही हो गया। बहुत टाइम बाद मैंने टेबल टेनिस खेला, तो बड़ा मजा आया मेरे को टेबल टेनिस खेलने का, क्योंकि बहुत टाइम बाद वो जी तो खुश रहो पाकिस्तान में खेला, तो उसके बाद खेला ही नहीं, तो बड़ा मजा आया, बड़ा फील हुआ। अभी स्नोकर का देखते हैं, स्नोकर खेला खेला नहीं खेला, तो मैं पहले पानी पी लूँगा, बहुत प्यास लगी। ये यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा वेदर है इनका, ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हम आए हुए वहाँ पर क्रिकेट वगैरह बास्केटबॉल वगैरह सब, और यहाँ पर हम लोग अपनी पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। निकल चुके हैं हम लोग वहाँ से क्यों निकले यार साहब भाई, सनसेट चलें। चलो भाई इधर एक दो सारी पोर्ट्रेट ले लो, उसके बाद चलते हैं। पसीने पसीने हो गए हम लोग थोड़ी देर, हम लोग के अंदर बिल्कुल एक स्टैमिना नहीं है। मैं बहुत देर से खेल रहा था, मैं हट रहा ही नहीं था, खेले ही जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फ्री हो गया था ना।
हम लोग जा रहे हैं अनोड़क, कोयटा वाला अनोड़क, अनोड़क जा रहे हैं चेक करने भी हम लोग। अच्छा तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ थोड़ी देर बाद डायरेक्ट मंजिल तक पहुँच के। वो हम लोग को बाइकर्स नजर आए थे थोड़े से, तो ये तो भाई जान हम लोग जरा यहाँ पर थोड़ा ब्रेक मार के खुराक के लिए पानी वानी ले, क्योंकि बहुत प्यासे प्यासे हो गए हम लोग सब। सबसे पहले तो उठाओ पानी भाई। इस पहाड़ों के बीच में आप लोगों को नहीं पता होगा क्यों, क्योंकि आप लोग कभी अनोड़क नहीं आए थे। इनका शोर मेरा ऐसे चलता रहेगा तो मैं आप लोगों को मंदिर पे पहुंच के दिखाता हूँ, दो मिनट रुक जाए भाई जान। कहाँ से हम लोग गुजर के आ रहे हैं भाई, फुल पानी पानी आगे। आप लोगों को यकीन है कि हालात ठीक है, क्योंकि मुझे बदबू आ रही है। क्या हवा है, क्या हवा है, हाय 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 हाय। अरे यहाँ पर तो चाइनीज भी आए हुए। अरे अरे भाई मेरे को ये शर्ट बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं ये चेंज करने वाला हूँ। ये देखें पानी कौन से पैड पर लाले लाले 400 रुपए का खरबूजा, 300 रुपए की खजू। छुरी को तो देख पोलियो हुआ है। क्या आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि ये वो जैसे ना फ्रिज वाला पानी होता है ना, ये वैसा पानी है। अब मैं जो अल्तबलाड हूँ तो ना यह खूबो वाला चाहिए दुना खटखले हो यार। लड्डो दे दे हम लोग को, थोड़ी देर खेलेंगे फिर वापस दे देंगे भाई जान। हेलो सुन ही नहीं रहा भाई। क्या बने समझाए हरामी अंकल, कोई भी आवाज़ दे आवाज़ दे यार। थोड़ा सा यार भाई जान मैंने मान लिया, यहाँ से इनको ऊंचाई नहीं बचा। तू पहले यहाँ जब मर, तूने मारी मैं भी मारूंगा पक्का। थोड़ा और पीछे बस, पीछे पानी है, बस बस बस। प्लान कैंसिल, मैं नहीं मार रहा। भाई पिक्चर्स वगैरह तो हमारी वी आई पीज आ गई इंस्टाग्राम पे, मैं पोस्ट करूँगा। ये मेरा इंस्टाग्राम है, लाजमी जाके आज की पिक्चर्स देखेगा, बड़ी प्यारी वी आई पी फोटोज़ आई हैं, लिंक भी डाल दूंगा तो लाजमी देखना। अभी हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं रात होने वाली है, शाम का सवेरा चल स्टार्ट हो गया, तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। सो अभी होने वाले हैं रवाना। जान यामर हम लोग का दूसरा स्टॉप लगा है पार्क फोर सनमा, क्योंकि जब भी हम लोग उस तरह से आते हैं तो पार्क फोर्स में ना चप्पल भी चिकर है। पार्क फोर्स में पकोड़े मकोड़े खाना तो हमारा ज़रूरी है। ये बैठे हुए सब हम लोग के पकोड़े शकोड़े तो आ चुके हैं। भाई जान ब्लॉग की लाइट इसलिए नहीं ऑन लग रही क्योंकि भाई लाइट मोबाइल में बैटरी डाउन है, वो फ्लैश ऑन नहीं हो रहा। तो फिर इंशाल्लाह बाकी फिर मिलते हैं इंशाल्लाह घर जाके। फाइनली तब टूट के मैं आ चुका हूँ वापस से, कहाँ घर में अपने घर में ही आया हूँ। घर वाले सारे बाहर बैठे हैं खाना वाना खा रहे हैं, तो मैं खाना वाना खा के फिर बाकी बातें, क्योंकि बेगम को ना बहुत गंदा मुँह बना हुआ है। कल बेगम को इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरा दिन घुमाना है, पूरा दिन घुमाना है इसको, वादा मेरा डील होगी बेगम से। जब ये आएगी ना इसको मैं खुशखबरी देता हूँ। सो तब तक के लिए मैं ज़रा दो मिनट में खाना खा के यूँ गया तो यूँ आया, आप लोग यहीं रुकिएगा। भाई जान ये मैगियाँ ये चिप्स वगैरह आइसक्रीम वगैरह लेके दी हैं, तब जाके थोड़ा दिल बहला है और मान गई कि ओके कल हम जाएंगे। अगर कल भी नहीं लगेगा फिर मैं कल जाऊँगी नहीं बेटा। इंशाल्लाह कल से पूरा दिन आपका, आइसक्रीम भी खाएंगे, पकोड़े भी खाएंगे, समोसे भी खाएंगे, घूमेंगे भी, स्नोकर भी खेलना, टेबल टेनिस भी खेलना, सारी चीज़ें खेलना। तो बोलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल, अल्लाह हाफिज़। ना सिर्फ फिर यहाँ पर कर अच्छा तो ओके गाइस, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हो सके तो लाइक्स और कमेंट्स कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।